प्रियंका, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका खास मन पसंदीदा प्रोग्राम सोशल मीडिया मस्ती। भाई जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम अपने इस प्रोग्राम में सोशल मीडिया मस्ती में आप सभी लोगों के लिए ढेर सारी इन्फॉर्मेशन, ढेर सारी जानकारियां लेकर आते हैं उन स्टार्स की जो कि अपने इंस्टा, फेसबुक और अदर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और आप सभी लोगों को जानकारियां देते हैं। तो चलिए बिना देर की आज की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात ही करेंगे हम अपनी भोजपुरी इंडस्ट्री की बेहद खूबसूरत और बेहद ही ज़्यादा टैलेंटेड एक्ट्रेस मधु शर्मा की। मधु शर्मा का एक पोस्ट शेयर हुआ है जो कि फिल्म भोजपुरी फिल्म माँ तुझे सलाम के गाने की शूटिंग के दौरान है और अभी तक इनके इस पोस्ट को करीबन 1300 से ज़्यादा लोगों ने पसंद कर लिया है, 1300 से ज़्यादा लोगों ने इसे लाइक कर लिया है। इसके बाद आगे बात करें तो अगला हमारे पास जो फोटो आई हुई है वो बेहद ही खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं यंग एक्टर है, वो है प्रदीप पांडे उर्फ चिंटू। जी हाँ, प्रदीप पांडे उर्फ चिंटू ने एक वीडियो शेयर किया है जो कि उन्होंने चलती गाड़ी में इस वीडियो को बनाया है, हालांकि गाड़ी वो नहीं चला रहे और उन्होंने वीडियो के साथ ही कैप्शन बॉक्स में लिखा है चिंटू मोशन पोस्टर टीजर ऑफ द मेक बहादुर एंड बिगेस्ट सीनियर भोजपुरी फिल्म दुल्हन चाही पाकिस्तान 2 लॉन्चिंग टुमारो ऑन 29 जून ऑन यूट्यूब चैनल भोजपुरी म्यूजिक। यानी कि कल दोस्तों इनकी फिल्म दुल्हन चाही पाकिस्तान से 2 का जो टीजर है वो रिलीज होने वाला है, जिसके बारे में प्रदीप पांडे उर्फ चिंटू ने जानकारी दी है, दर्शकों के बीच ये बातें शेयर की है। और देखा जाए तो प्रदीप पांडे उर्फ चिंटू के इस पोस्ट को करीबन अभी 500 से ज़्यादा लोगों ने लाइक किया है और एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर भी इस वीडियो को लिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारे पास जो देखिए पोस्टर है वो है भोजपुरी इंडस्ट्री की फिटनेस क्वीन यानी कि पूनम दुबे। पूनम दुबे ने पोस्ट शेयर किया है जिसमें म्यूजिकल ऐप यूज करते आई हैं, साथ ही कैप्शन में उन्होंने लिखा है लव टू स्पेंड द टाइम विद द माई सेल्फ हैप्पी मी फनी वीडियो म्यूजिकल ऐप टाइम पास। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस समय पर पूनम दुबे अपने आप में ही बहुत ज़्यादा मस्त मौली दिख रही हैं, अपने आप में ही बिजी नज़र आ रही हैं और अभी तक पूनम के इस वीडियो को करीबन 500+ लोगों ने लाइक कर लिया है। इसके बाद आगे बात करें तो मधु शर्मा का एक पोस्ट और आया है जो कि इनके ब्राइडल लुक में है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने लाइट पिंक कलर की ड्रेस पहन रखी है, यूँ कह लें लहंगा पहन रखा है उन्होंने, माथे पे टीका है और उन्होंने काफ़ी हैवी ज्वेलरी भी पहन रखी है और इस कुल मिलाकर देखा है साथ कैप्शन बॉक्स में लिखा है ब्यूटी बिगेंस द मोमेंट यू डिसाइडेड टू बी आर योर सेल्फ। और देखा जाए तो अभी तक इनके पोस्ट को करीबन 4500 से ज़्यादा लोगों ने पसंद कर लिया है, 4500 से ज़्यादा लोगों ने इसे लाइक किया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली हम तस्वीर देखते हैं या यूँ कह लें अगली फोटो की ओर बढ़ते हैं तो अरविंद अकेला उर्फ कल्लू। जी हाँ, उन्होंने अपने इंस्टा के जरिए जानकारी दी है, उनका जो एल्बम है वो लॉन्च हो रहा है, एल्बम का नाम है बोले भोले बाबा का ये गाने के बोल हैं और साथ ही कैप्शन बॉक्स में अरविंद अकेला उर्फ कल्लू ने लिखा है हर हर महादेव। दोस्तों कल शाम में रिलीज़ होगा मेरा न्यू कवर एल्बम और बोले भोले बाबा के पहला सॉन्ग है जो कि आदि शक्ति फिल्म्स पर रिलीज़ किया जाएगा, तो इसे अपना ढेर सारा प्यार दें। और वाकई में अरविंद अकेला उर्फ कल्लू का ये पहला बोलबम गाना रिलीज़ होने वाला है जिसका दर्शकों का बेसब्री से इंतज़ार रहा था। आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा हमारे स्टार, जी हाँ मेगा स्टार रवि किशन, वो कहाँ से पीछे हटने वाले हैं। जी हाँ, कल उनकी एक फिल्म हैदर पंडित की शुरुआत हुई थी, लॉन्च हुआ था वो लखनऊ में, लेकिन उस फिल्म की शूटिंग बहुत शानदार तरीके से की जा रही है और जिसकी तस्वीर उन्होंने शूट की है, मुहूर्त शूट हैदर पंडित, और अभी तक रवि किशन के इस पोस्ट को करीबन 1500 से ज़्यादा लोगों ने लाइक कर लिया है। और अभी आपको बताना चाहेंगे रवि किशन एक ऐसे स्टार के तौर पर जाने जाते हैं जो कि आज की डेट में वो हिंदी फिल्म प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। जी हाँ, उनकी ये फिल्म जो हैदर पंडित है ये उन्होंने खुद प्रोड्यूस भी किया है और इस फिल्म में वो बतौर हीरो रोल भी करने वाले हैं। और आगे बढ़ते हैं, इसके बाद संभावना सेठ ने एयरपोर्ट से अपनी फ़ोटो शेयर की है जिसमें लिखा है उन्होंने संभावना सेठ इन दिल्ली शो टाइम वर्क मूड डांस परफॉर्मेंस दिल्ली शो, और इस समय पर वो दिल्ली पहुंच चुकी हैं और इस समय पर उनकी एक बहुत ही शानदार डांस परफॉर्मेंस होने वाली है। आपको बता दें अभी तक देखा जाए तो जो संभावना सेठ का ये पोस्ट है इससे अब तक इन्होंने
4000 से ज़्यादा लोगों ने पसंद कर लिया है, 4000 से ज़्यादा लोगों ने इसे लाइक किया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला हमारे पास जो फोटो आया हुआ है, माफ़ी चाहेंगे वीडियो आया हुआ है, जी हाँ, हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की बेहद खूबसूरत और हॉट एक्ट्रेस, जी हाँ, जो कि मोनालिसा है, उन्होंने एक अपने विक्रांत पति से, पति विक्रांत सिंह के साथ फोटो शेयर की है। साथ ही उन्होंने लिखा है, डांसिंग कपल हैप्पीएस्ट, दिस आर बिकॉज ऑफ माय लव क्यूट फ्रेंड, यस वी आर द 900K इंस्टा फैमिली एंड नाउ थैंक यू फॉर लविंग मी एंड सपोर्टिंग मी सो मच, सो वेरी वेरी आई एम हैप्पी एंड फॉर योर मैनी ईयर्स। कुल मिलाकर देखा जाए तो मोनालिसा का 900K यानी 900K फॉलोअर्स हो जाने के बाद मोना ने खुशी जाहिर की है और डांसिंग वीडियो इन्होंने शेयर की है अपने पति विक्रांत सिंह राजपूत के साथ। और अभी तक इस पोस्ट को करीबन 38,000 से भी ज़्यादा लोगों ने लाइक किया है और वाकई में मोनालिसा के जो फॉलोअर्स हैं वो इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी ज़्यादा उन्हें दर्शक वो पसंद करते हैं, उन्हें उनकी वीडियोस, उनकी फ़ोटो, क्योंकि मोना जब भी कोई फ़ोटो शेयर करती है उसमें उनका अपना एक अलग अंदाज हुआ होता है, अपना एक अलग खूबसूरती उनकी छुपी हुई होती है। इसके बाद बात करें तो तेज प्रताप, बिल्कुल आप लोग हैरान हो गए होंगे लेकिन ये बिल्कुल सही है, तेज प्रताप यादव, जी हाँ, जो कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं, उनका एक फिल्म आने वाला है जिस फिल्म का नाम है रुद्रा द अवतार और ये हिंदी मूवी है जो बहुत जल्द रिलीज होगी। इसी के साथ अक्षरा सिंह ने भी एक पोस्ट शेयर किया है, जी हाँ, अक्षरा सिंह ने पोस्ट शेयर करते हुए एक ब्लैक एंड वाइट फोटो शेयर की है, साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है, क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छिपी रहे। ये अक्षरा ने बहुत ही अजीब से दिल की बयान शेयर की है लोगों के बीच और कुल मिलाकर देखा जाए तो 10,000 लोगों ने इन्हें पोस्ट को इनके लाइक किया है, पसंद किया है। आगे बढ़े, आगे चलते हैं तो निधि झा उर्फ लुलिया ने तो अपना एक अलग ही शानदार फोटोशूट करवाया है, जो कि वो सोफे पे सूट पहनकर लेटे, माफ़ी चाहेंगे, फुल घाघरा पहनकर लेटे हुए नज़र आ रही हैं। उन्होंने पैरोट कलर का ड्रेस पहन रखा है और साथ ही उन्होंने लिखा है, समवन हु रेडी लव आल सीन व्हाट आ मिस यू आ कैन बी हाउ मूड ऑफ योर कैन गेट हाउ हार्ट योर आर थ्रू हैंडल बट स्टिल वॉन्ट यू ट्रूज लव। ये देखा जाए तो निधि झा उर्फ लुलिया वैसे तो प्यार व्यार पे यकीन नहीं करती क्योंकि इन्होंने अपने इंटरव्यू के दौरान ये खुद इस बात का इजहार किया है, लेकिन भाई लाइनें बहुत प्यारी लिखती हैं, जी हाँ। और आपको बता दें कि अभी तक निधि झा उर्फ लुलिया के इस पोस्ट को करीबन 7,000 लोगों ने पसंद कर लिया है, 7,000 लोगों ने इसे लाइक कर लिया है। इसके बाद आगे बात करें तो पूनम दुबे ने भी एक फ़ोटो शेयर किया है, जो कि वो सेल्फी लेते नज़र आई हैं, तीन अलग अलग पोजीशन में उन्होंने फ़ोटो शूट किया है और कैप्शन में लिखा है, मैं ख्वाहिश बन जाऊं और तू रूह की तलब बस यूं ही जी लेंगे दोनों मोहब्बत बनकर। भाई इस बार देखा जाए तो लगता है भोजपुरी इंडस्ट्री की जो हीरोइनें हैं उन पर प्यार का बुखार कुछ ज़्यादा चढ़ता हुआ नज़र आया है। और देखा जाए कुल मिलाकर तो हम बात करें पूनम की, बात करें हम अक्षरा सिंह की, या हम फिर बात करें अलग निधि झा की, हर कोई प्यार मोहब्बत की बातें काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा कुल मिलाकर देखा जाए तो हर स्टार्स की तरफ से कंटिन्यू जो स्टार्स हैं वो फ़ोटो शेयर करते हैं, जानकारियाँ देते हैं और अलग अलग तरह से इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश भी करते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की वो खबरें, वो जानकारियाँ जो कि स्टार्स के साथ जुड़ी हुई थी, जो स्टार्स ने आपके इंस्टा पर अपने फ़ोटो, अपने वीडियो के ज़रिए अपनी खबरें पहुँचाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और पसंद आया है तो हमारे प्रोग्राम पे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा। बाकी भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया को अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आप सभी तक पहुँच सके, कोई भी खबर आपसे मिस ना हो। आज के खास प्रोग्राम पे यहीं विराम लगाते हुए आप सभी लोगों से लेते हैं इजाजत, नमस्कार। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर तो हमें संपर्क करें।